Hey, yo beautiful people, what's up and welcome or welcome back to my new vlog. So, काफ़ी time के बाद आज हम जा रहे हैं कर्शियोंग, the land of white orchids. And as you all guys know कि अभी दशई यानी कि दशहरा नज़दीक आ रहा है, तो उसी का थोड़ा shopping करने जा रहा हूँ आज मेरे लिए और मेरे पूरे family के लिए, क्योंकि कर्शियोंग में बहुत ही अच्छा अच्छा और fashionable कपड़ा मिलता है. So, that's why I choose to shop in कर्शियोंग rather than सिलीगुड़ी. हमारा गाड़ी भी रेडी है, तो जल्दी जल्दी सीट ले लेते हैं, नहीं तो फिर विंडो सीट नहीं मिलेगा. रास्ता थोड़ा लंबा है ना, तो इसीलिए विंडो सीट मिलना एकदम जरूरी है गाइस मेरे लिए, नहीं तो फिर पूरा सफर बोरिंग हो जाता है. लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग्स नियर विंडो सीट व्हाइल ट्रैवलिंग इज द बेस्ट फीलिंग एवर. सो गाइज फाइनली आई रीच कर्शियोंग, लेकिन मेरे को अभी बहुत सुसु आ रहा है, तो पहले पेट को खाली करते चलो. ट्रैवल करना तो ठीक है, लेकिन बहुत सुसु आता है गाइज मेरे को, कहीं पर जाना होता है ना तब, इसीलिए मैं लंबा रास्ता ट्रैवल करने से पहले पानी पीता ही नहीं हूँ. आज भी थोड़ा ही पानी पीकर आया था, लेकिन यहाँ का वेदर थोड़ा ठंडा है ना, तो ठंडा वेदर में सुसुआना जायज है. शॉपिंग छोड़कर मेरा थोड़ा बाकी काम भी था, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आया हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 साल पहले ATM कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था. एंड फाइनली आफ्टर 2 ईयर्स मेरे को 2-3 दिन बाद ही कॉल आया बैंक से एंड दे आस्क्ड मी टू कलेक्ट माय ATM कार्ड फ्रॉम द बैंक. मैं तो भूल भी चुका था कि मेरा भी कोई सेंट्रल बैंक में अकाउंट है बोल के, और भूलू भी क्यों ना, ATM कार्ड बनाने में कौन 2 साल लगाता है भाई. एनीवेज, तो अभी मैं बैंक का काम खत्म करके खुद के लिए कुछ कपड़ा खरीदने पहुंच चुका हूँ. अभी विंटर भी नजदीक आ रहा है, तो इसीलिए एक जैकेट तो लेना ही पड़ेगा गाइस. लास्ट ईयर भी एक लेदर का जैकेट खरीदा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो एकदम जल्दी खराब हो गया. आजकल मैं ज्यादा कपड़ों का केयर नहीं कर पाता हूँ ना, तो इसीलिए जल्दी सब कपड़ा खराब हो जाता है. घर पर होता तो कोई भी कपड़ा खराब होने का चांस ही नहीं रहता, क्योंकि घर पर तो माँ होती है, वो सब कपड़ा संभाल कर अपने अपने जगह पर रख देती है. इसीलिए कहते हैं ना, नो मैटर हाउ मच ओल्डर यू गेट, यू विल ऑलवेज नीड योर मॉम. उसके बाद मैं चला गया अपने लिए शू देखने, एंड इतना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन था वहाँ पर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना है बोल के. बट फाइनली आई मेड अप माई माइंड एंड परचेस्ड दिस वन ब्लैक, क्योंकि ब्लैक सभी आउटफिट में आराम से चला जाता है, तो इसीलिए मैंने ब्लैक में लिया. पहनकर भी थोड़ा वॉक किया एंड आई जस्ट लव्ड इट गाइस, बहुत कंफर्टेबल था एंड बहुत अच्छा भी दिख रहा था मेरे में. सो गाइस फाइनली मेरा शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुका है, मैं ज़्यादा टाइम लगाता नहीं हूँ खुद के शॉपिंग में. जैकेट और शू तो आप लोगों ने देख लिया, अभी बाकी दशहरा में देख लेना ठीक है. मेरा तो हो गया, अभी मॉम डैड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर के लिए कुछ कपड़े देखना है चलो. एज कम्पेयर टू सिलीगुड़ी यहाँ तो बहुत ठंडे गाइज, लेकिन मेरे को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे को ना ठंडा जगह में रहना ही पसंद है. कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ आप लोगों को ठंडा जगह में रहने का. नंबर 1, बिना पसीना बहाए आप आराम से कहीं पर भी घूमने जा सकते हो. नंबर 2, अच्छा अच्छा कपड़ा बूट्स पहनकर बाहर चल सकते हो. नंबर 3, ठंडा और फ्रेश हवा ब्रीद कर सकते हो ऐसे. नंबर 4, ब्लैंकेट ओढ़ कर मूवीज देख सकते हो. बढ़िया बढ़िया मूवीज देखो भाई, ब्लैंकेट के अंदर घुसो और मूवीज देखो. और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी इतने में छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर पूरा व्लॉग इसी में खत्म हो जाएगा. काफ़ी दुकान का चक्कर लगाने के बाद फाइनली सबका शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है गाइस. ज़्यादा क्राउड की वजह से वीडियो रिकॉर्ड भी अच्छे से नहीं हो पाया, एंड मेरा कैमरामैन लोगों के भीड़ में इतना शर्माता है, तो ये भी है एक रीज़न कि मेरे वीडियो की अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा कैमरामैन बहुत शर्माता है लोगों के भीड़ में. तो अभी हम लोगों ने क्या शॉपिंग किया क्या नहीं किया वो सब अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने की ट्राई करेंगे. आज मेरे को फिर से वापस सिलीगुड़ी लौटना है, तो इसीलिए सब कुछ जल्दी में करना पड़ा गाइस. घर से थोड़ा जल्दी निकलता तो शायद कर्शियोंग भी घूम पाता अच्छे से और आप लोगों को भी घुमा पाता. बट एनीवेज, जिस काम के लिए आया था सब काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. नेक्स्ट टाइम फिर से आना पड़ा कर्शियोंग, और आप आए तो पूरा कर्शियोंग का टूर कराऊंगा आप लोगों को पक्का. बहुत भूख लग रहा था गाइस, तो इसीलिए हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके. मैंने ऑर्डर किया है चाउमीन, क्योंकि मेरे को यहाँ का चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा था. एंड मैं घर से ही सोच कर आया था कि मैं आज कर्शियोंग जाऊंगा तो पक्का चाउमीन खाकर आऊंगा. एंड इत्तेफाक ने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस, क्योंकि ये तो आता रहता है कर्शियोंग, सिर्फ मैं ही हूँ जो साल में 1-2 बार ही आ पाता हूँ. बहुत ही टेस्टी चाउमीन था गाइज, आई रियली एंजॉयड. बट स्पाइसेस थोड़ा ज्यादा था, तो मेरे को अभी लग रहा है कि घर पहुँच कर मेरा पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि जब से मैं जिम कर रहा हूँ ना तब से मेरा स्पाइसेस खाने का आदत छूट चुका है. बट एनीवेज, कभी कभी चलता है गाइज, कभी कभी खाना भी पड़ता है, पेट खराब हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा उससे. सो अभी रात का 7 बज चुका है गाइज, बट थैंकफुली हम लोगों को एक सिलीगुड़ी का गाड़ी मिल गया. लक हो तो हमारे जैसा, कभी कभी तो लगता है कि अपुन ही भगवान है. बाय बाय कर्शियोंग, विल मीट यू वेरी सून. गटर पर लागेको अब चाहिँ हामी हैन, पानी परेको अवस्था
खाने परेको अवस्था यस रुम कहीँ देन रुम 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 कति रुम मा देन ल हाल हाय यस 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 रुम पूछ रहे हम लोग हाँ हम लोग का रूम यहीं पर है लेकिन फिर भी हम ऑलरेडी 7,000 वाला रूम पे बैठे हैं हाँ 7,000-8,000 गीत त्यस्तै बोलेको फटेर हेरिँदैन रहेछ फट्टु भएको छ एकछिन पकडिदा अगर ये मेला होगा ना तो फिर से मेरे को धोना पड़ेगा मेरे को तो नहीं मतलब ड्राई क्लीन में दिया था मैंने लेकिन फिर से बार बार नहीं दे सकता यार कति लिन्छ ड्राई क्लिन ज्याकेटहरूको 110 ब्ल्याङ्केटहरू ब्ल्याङ्केट 250 आम्मा ठिकै हो नि हौ ब्ल्याङ्केट त सोच त 1,000 रुपियाँमा मागि नै हाल्छु नि म त पुरानो हालेर अनि 10 दिनमै गनाइ त हाल्छ अन्त फेरि ए त्यो पनि त नयाँ नयाँ हो नि त भाइ तो अभी हम लोग गाइस रूम पहुंचने वाले एंड आज हम लोगों का शॉपिंग एकदम धमाकेदार हुआ पता नहीं इसने मतलब ये कैसे तो बन पड़े एकदम धमाकेदार हुआ एंड हम लोग अभी जा रहे घर गाइस बहुत रात हो चुका है 8:30 बज चुका है अभी कर्सियंग से सिलगुड़ी लौटते लौटते एंड अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट रूम और उसके बाद देखेंगे क्या होगा पहले से सामान सब देखना है अच्छी तरीके से घर जाकर तो इतफाक भी थोड़ी देर रुक कर बारिश भी ख़त्म होने के बाद ये भी अपना रूम जाएगा मैं तो अपने ही रूम में जा रहा हूँ अभी ठीक है तो चलो यार गाइस वी एंजॉयड अ लॉट टुडे इतफाक व्हाट अबाउट यू डिड यू एंजॉय टुडे एकदम या सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होगा कब पता नहीं लेकिन जल्दी आने की कोशिश करेंगे तो अभी यह आज का ब्लॉग यहीं तक रखते होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो अलॉन्ग विथ मी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस So yeah guys, bye bye, love you all, take care, see you, good night, sayonara, bye bye.